यहाँ TSP क्षेत्र में सभी पद आरक्षित हैं, प्रधान MLA MP सभी पद ST के लिए रिजर्व हैं और OBC और अन्य समाज के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है। उनको अगर राज्य मंत्री या राज्यसभा सदस्य का पद दिया जाए तो अच्छा रहेगा और क्षेत्र में अच्छी भावना रहेगी और दोनों समान अच्छे तरह से रहेंगे यूँ सभी हिल मिल के। ठीक, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये लोगों को अक्षेत्र हमारा है वो बिल्कुल एकदम ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल के ही सभी जनप्रतिनिधि यहाँ बन रहे हैं, पंचायती राज में हो, विधायक हो, सांसद को हो, सभी ST SC के ही लोग बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोग सभी लोग हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, दूसरे OBC समाज के और जनरल समाज के लोग जुड़े हुए हैं, इनको आज तक वोट देने का ही अधिकार है, न किसी पद पर उनको सुशोभित कर होने का अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि हमारे इस एरिए में हमको किसी न किसी बोर्ड पर या कौन कोई मंत्री या राज्यसभा सदस्य है इस पर लाभान्वित करने की विचार कर हमें शीघ्र ही लाभ दिला। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे TSP क्षेत्र में सभी पद यहाँ पे आरक्षित हैं, जैसे कि प्रधान है, जैसे कि विधायक है, जैसे कि सांसद है, तो उन सबसे हमें कोई आपत्ति है नहीं इस विषय पे, लेकिन यहाँ पे सामान्य और OBC भी रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता बनाने रखने के हेतु ये रखा जाए प्रावधान के इनमें सामान्य को और OBC को भी कोई कहीं किसी बोर्ड पे राज्यसभा है कहीं कहीं ऐसी वरीयता से इनको स्थान दिया जाए और कोई ऐसा पोस्ट दी जाए ताकि आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे और सामान्य और OBC को मन में ये नहीं लगे कि हम कहीं पिछड़े इलाका में रह रहे हैं और हमारे लिए कोई एजेंडा या कोई प्रावधान है नहीं। इसलिए मैं विशेष करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें भी किसी पद स्वरूप लंबावित किया जाए और ये हमारी मांगों को ध्यान में रखा जाए। सिंह राठौर, मंडल उपाध्यक्ष हुआ। सर, ये TSP क्षेत्र में जो OBC और स्वर्णों को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिसके बारे में आप कुछ बताओगे? मैं हाँ, वास्तव में अपने TSP क्षेत्र में सभी राजनीतिक पद आरक्षित हैं और उसमें OBC और सामान्य को किसी प्रकार के पद नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सामान्य और OBC वर्ग को कम से कम राज्यसभा सांसद बोर्ड के अध्यक्ष उसमें मनोनीत करें, इस वर्ग का भी इसमें अच्छा सहयोग रहेगा। हम अपना जो अमूल्य वोट देते आ रहे हैं, सरकार कोई भी हो, हमारे इस मांग को पूर्ण करें और इसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि पूरा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में आरक्षित पूरा आरक्षित वर्ग है, उसमें हमारे लिए कोई ऐसा पद नहीं है जो हमें मिल सके। अतः हम ये आशा रखते हैं और मांग करते हैं कि हमें राज्यसभा सांसद या बोर्ड के अध्यक्ष में हमारे नियुक्ति करने का कष्ट करा। नरपत सिंह पवार, जिला प्रतिनिधि भाजपा मंडल गोवा। सर, ये TSP क्षेत्र में जो OBC और स्वर्ण हैं, जिनको यहाँ पे हक और अधिकार जो राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? निश्चित तौर पे यह बहुत ही सामान्य और OBC वर्ग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उदयपुर जोन के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर TSP क्षेत्र के अंदर उनको राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इससे सरकार से निवेदन है कि आह्वान है सभी से कि इस क्षेत्र के लिए सामान्य और OBC वर्ग के प्रतिनिधि को राज्यसभा सदस्य बनाकर और राज्य मंत्री का दर्जा देकर के मनोनीत किया जाए तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर TSP क्षेत्र के अंदर पंचायतों के अंदर भी सरपंच से लेकर प्रधान MLA MP सभी टोटली ST वर्ग को आरक्षित होने से वही चुने जाते हैं, उसको सामान्य और OBC वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होने से काफ़ी निराशा है लोगों के अंदर। और यही हमारी मांग है कि
राज्यसभा क्षेत्र राज्यसभा के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में सामान्य और ओबीसी वर्ग को गुजरात की तर्ज पर भी पंचायतों के अंदर सामान्य वर्ग के जहां पर वोटर जहां गांव है वहां पर भी सरपंच का पद आरक्षित सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग को दिया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है इस क्षेत्र के लिए।